हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट पार्ट में हमने बात कर ली थी साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स की, और सब समझ लिया था तीनों क्लासेस को। अब मैं उसके एग्जांपल्स को कैसे लर्न करना है, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कॉन्ड्रिक थाइस के एग्जाम्पल और ऑस्टिक थाइस के एग्जाम्पल्स को हमें कैसे लर्न करना है। पहले हम समझ लेते हैं अगर एक साथ एग्जाम्पल्स लर्न करना है, फिर उनके कॉमन नेम्स भी बहुत, साइंटिफिक नेम प्लस कॉमन नेम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो पूरे एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ड्रिक थाइस के, उसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको हम याद रखेंगे कॉन्ड्रिक थाइस के एग्जाम्पल्स को, स्कूल, प्रिस्ट, सीटी मारे। स्कूल में प्रिस्ट है, कोई मिशनरी है, क्रिश्चियन वाले स्कूल है, उसमें एक प्रिस्ट होता है, देखा होगा आपने, प्रिस्ट वगैरह होता है। तो स्कूल, प्रिस्ट, सीटी मारे, इससे याद रखेंगे। तो स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, कार्केरेडॉन और ट्रायगोन। स्कूल SC से स्कूल हो जाएगा, प्रिस्ट CT, C से कार्केरेडॉन, T से ट्रायगोन। तो स्कूल ऐसे याद रख लेते हैं, स्कूल स्कूल प्रिस्ट CT मारे, ठीक है। तो स्कॉलियोडॉन, जिस दोनों में डॉन आएगा, डॉन से क्या, इस वर्ड से हम समझ सकते हैं जिस चीज़ से हमें डर लगता हो। डॉन एक ऐसा शख्स होता है जिससे हमें मतलब डर लगता है, सुन के डर लगता है। तो ये जिसमें दोनों में डॉन है, एक तरह की शार्क की स्पीसीज ही है, एक है डॉग फिश, एक है ग्रेट वाइट शार्क। तो कार कह रहे डॉन, एंड में डॉन आएगा तो हमें याद रहेगा ये शार्क होगी, ठीक है। अगर स्कॉलियो डॉन है तो वो डॉग फिश होगी, और कार कह रहे डॉन है तो एक ग्रेट वाइट शार्क होगी। अब बात करते हैं प्रिस्ट और ट्रायगोन को। ट्रायगोन की एक स्ट्रिंग रे, एंड में इसके स्ट्रिंग होता है, मतलब चुभोने वाला है, ऐसे उसका पार्ट होता है जो स्टिंग, मतलब आपको एकदम डंक मारने के लिए जैसे यूज़ होता है, जैसे बिच्छू में होता है स्टिंग, ऐसे ही इसकी, इस फिश में भी स्टिंग होता है। तो स्टिंगरे होती है हमारी ट्राइगोन, याद रखेंगे। प्रिस्ट हमें याद रखना है, प्रिस्ट है कोई फादर है कोई, वो लकड़ी काट रहा है। लकड़ी किससे काटते हैं हम, सॉ से। सॉ मतलब कि जो लकड़ी काटने के काम आता है, सॉ आपने देखी होगी, आरी होती है जो। तो आप इस फिश की शेप भी देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो इसके आगे की शेप सॉ की तरह ही है बिल्कुल, जैसे लकड़ी काटने वाले आरी होती है उसकी तरह। तो इससे इसका नाम सॉ फिश, प्रिस्ट सॉस हम याद रखेंगे, प्रिस्ट सॉ फिश, स्कॉलोडॉन डॉग फिश, कार्केरेडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ये तो याद ही रहेगा। डॉन है जिसमें दोनों शार्क है, पर एक का नाम डॉग फिश है, एक का ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन याद हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके एग्जाम्पल्स याद कर लिए कॉन्ड्रिक थाइस के, और कॉमन नेम भी समझ लिए। समझ के आपको याद करना, एक बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हमारे ऑस्टिक थाइस में दो तरह के आते हैं, एक मरीन, एक फ्रेश वाटर। सबसे पहले मरीन में हमारे दो एग्जाम्पल है, ई और एच। ई से एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस। एक्सोसीटस जो होती है वो फ्लाइंग फिश होती है। फ्लाइंग फिश, इसके जो फिन्स होते हैं आगे के, ये बर्ड के आप देखोगे तो विंग्स की तरह बन जाते हैं। ये कुछ कुछ मीटर तक, ऐसे जंप मारते हैं फ्रेश वाटर में। आपने डिस्कवरी वगैरह या बाकी चैनल्स पे देखा होगा, फिश पानी के ऊपर उठ गई, उसको बियर वगैरह पकड़ रहे हैं खाने के लिए, तो ये आप देख रहे होंगे। ये होती है फ्लाइंग फिश, मतलब थोड़े उनके फिन्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े, जैसे ये फिश हो गई तो उनके फिन्स इतने काफ़ी बड़े होते हैं ताकि ये थोड़े कुछ मीटर तक फ्लाई कर सके, जंप कर सके एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको, ये हमारी फ्लाइंग फिश। एक्सो मतलब बाहर पानी से, एक्स मतलब होता है बाहर, एक्सटीरियर, इंटीरियर से याद रखेंगे। एक्स मतलब बाहर, जो फिश पानी से बाहर जा रही है मतलब वो फ्लाई कर रही होगी, इसका मतलब एक्सोसीटस जो है वो फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस आपको बचपन से सी हॉर्स होता है याद होता है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। अब फ्रेश वाटर में हमारे बहुत सारे कॉमन फिशेज आती है इंडिया की, लेबियो, कैटला, क्लैरियस, मेगर, कैटला, रोहू। रोहू और कैटला ये सब तो खाने के जो मोस्ट कॉमन फिश पाई जाती है फ्रेश वाटर, जिन्हें पालते हैं खाने के लिए। रोहू और कैटला इंडिया में बहुत पाई जाती है, जो खाई जाती है। तो लेबियो हो गया, रोहू, कैटला, तो कैटला सेम ही है कॉमन नेम, और ये लेबियो को याद रखना है रोहू से, LR रोहू से। तो इसको आप फ्रेश वाटर वाली को LCC से, लेबियो कैटला क्लैरिस, LCC, ठीक है, LCC, लेबियो कैटला क्लैरियस, क्लैरियस मगर हो गया कॉमन, ये याद रहेंगे, रोहू कैटला मगर, ये तीनों कॉमन फ्रेश वाटर है जो खाने के उसमें भी आती है। एक्वेरियम की दो आ जाती है, BP, BP बेटा। एक्वेरियम में कौन सी फिशेज रखेंगे हम, एक्वेरियम में वो फिशेज आती हैं जो काफ़ी सुंदर होती है, दिखने में अच्छी लगती है। इसे हम ऐसे डेकोरेटिव पर्स, घर में एक्वेरियम लगाते हैं, छोटा पॉट रखते हैं, तो उसमें हम ऐसी फिशेज रखना चाहेंगे जो काफ़ी सुंदर कलरफुल हो। तो ये दोनों काफ़ी कलरफुल होती है, बेटा हो गई हमारी, और पेट्रोफाइलम एंजल फिश। एंजल फिश मतलब, एंजल मतलब दिखने में सुंदर होती है, तो एंजल फिश से, पेट्रो एंजल फिश से समझ आ रहा है, ये हमारी एक्वेरियम वाली फिश होंगी,
बेटा और पेट्रोल। इस तरीके से मैंने आपको कुछ तरीके बताए, इसको आप एक और दो बार लिख के देखेंगे तो आपको इसके सारे एग्जांपल्स और कॉमन नेम याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।